इन्वेस्टर को जीरो कैसे मिलेगा, दैट आई वांट टू नो। और कोई डिटेल है उसमें क्या? सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कह रहा है? अब आगे कुछ नहीं कह रहा है अगर, तो फिर उन्होंने मेंशन क्यों किया पीएमएलए का, क्यों कहा, ये मैं जानना चाहता हूं। कन्हैया जी आपका झूठ पकड़ा गया, अब आप बोलिए। यस सर, आपका झूठ पकड़ा गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी इम्बार्गो नहीं था और सहारा अपनी संपत्ति को बेच सकती है, आज भी बेच सकती है, पहले भी बेच सकती थी। सर्किल रेट से अगर नीचे है तो आपको कोर्ट का परमिशन चाहिए था, या ये ऑक्शन सेबी से जाते, अगर उससे भी नहीं है 10% नीचे में तो आपको अलाउड था, सर्किल रेट से 10% नीचे तक आप बेच सकते थे। आपने झूठ क्यों बोला? क्या आपको जानकारी नहीं थी? नहीं नहीं सर, देखिए अभी जो बहस चल रही है सिंपल साहब जवाब उसका दे रहे हैं। अभी अभी जो जस्टिस खन्ना साहब का जो आर्गुमेंट है और उसने जवाब दिया है, यहाँ भी जस्टिस साहब ने संजीव खन्ना साहब क्या बोल रहे हैं कि एम्बार्गो नहीं था, लेकिन रूल्स ऑफ सेलिंग हमने भी वही बोल रहे ना कि सर रूल्स ऑफ सेलिंग मतलब दो जो कंडीशन है वो तो जस्टिस खन्ना साहब भी बोल रहे हैं कि जो रूल्स ऑफ सेलिंग है उसके लिए आप हमारे पास कोर्ट में आकर के परमिशन लीजिए और सेबी ई ऑक्शन के द्वारा उसको सेल करेगा। यही तो हमारा ऑब्जेक्शन है, सेबी क्यों करेगा, हम सेबी के पास ई ऑक्शन लेके जाएंगे। और हमारा जो सर्कल रेट है अभी अभी ये जस्टिस खन्ना साहब का जो कहना है कि भाई हम लेस देन 10% में भी आप सेल कर सकते हैं, तो सर इसके पहले वाला ऑर्डर आप उठा के देख लीजिए उसमें 90% सर्कल रेट था। तो हमारा ऑब्जेक्शन सारा का ऑब्जेक्शन ये है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो सारा सेबी में चला जाएगा। ये अभी भी बोल रहे हैं कि थ्रू सेबी ई ऑप्शन एंड सेल ऑफ रूलिंग, तो हम इसीलिए सेल नहीं कर रहे हैं कि ये सेबी के पास जाएगा। और सर्कल रेट ठीक है, सर्कल रेट हम अभी बोल रहे हैं 10% लेस में भी आप सेल कर सकते हैं, चलिए हम सेल करने के लिए तैयार है, लेकिन फंड कहां जाएगा? ये तो वहीं चला जाएगा, सहारे से भी रिफंड में चला जाएगा। वही पैकेज है सर, एम्बार्गो ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एम्बार्गो है लेकिन जो कंडीशन है वही ये कंडीशन है सर, उसी कंडीशन की वजह से तो सेल नहीं कर रहे हैं। अभी फिर आप थ्रेटन कर रहे हैं साहब, कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगा दी ना, कहा कि भाई ये कौन सा कंडीशन है, आप सर्किल रेट से नीचे अगर बेच रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया अगर 3 का 3-5 करने का प्लानिंग है तुम लोगों का तो वो हम नहीं करेंगे, करने देंगे, जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से बेचना पड़ेगा, ये तो सही बात है। तो सर एक प्रॉपर्टी को किसी भी इसमें बेचने के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट न्याय के सहारे चलेगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्किल रेट के हिसाब से बेचिए। मान लीजिए अगर आप सर्किल रेट के हिसाब से नहीं बेच रहे हैं तो आप अगर पारदर्शिता देखना चाहते हैं उस डील में तो आप आइए और हमसे परमिशन ले लीजिए, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, आप डील में पारदर्शिता बरत रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, 10% नीचे का डील जो है, 10% नीचे तक में रेट के 10% नीचे तक में भी आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का अगर ये हो रहा है, कम ही हो रही है, तो ये तो उन्होंने कहा हुआ है, ये कौन सा रूल में क्या गड़बड़ी है? उसके बाद आपने फिर दलील दे दिया कि कोई व्यक्ति टच नहीं कर रहा है। अरे टच कैसे करेगा, आपने फैला दिया है मार्केट में, हमारे प्रॉपर्टी पर इम्बार्गो लगा हुआ है। सर सुनिए, इसमें टच क्यों नहीं कर रहे उसका भी रीजन है ना सर, पहले वाला ऑर्डर देख लीजिए उसमें 90% सर्कल रेट है सर। हमारा यहाँ क्लाइंट अगर कोई आ रहा है 90% सर्कल रेट देख करके वो डर जा रहा है, बोला 90% सर्कल रेट हमसे नहीं होगा भाई। तो ये ठीक है, अभी अभी कोर्ट में ऐसा अगर कहा गया है संजीव खन्ना साहब के द्वारा कि भाई इवन लेस देन 10% सर्कल रेट में भी आप सेल कर सकते हैं तो हम सेल करेंगे, लेकिन वो फंड कहां जाएगा, वो फंड तो सारा फंड में चला जाएगा, इसको कौन रोकेगा? क्या हम ऐसा कस्टमर को दे पाएंगे, डिपोजिटर को पेमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हमारा ऑब्जेक्शन यहां है ना सर, हम फंड हम एडिशनली पे करेंगे। उनको देना था पेमेंट ही तो उनको देना था सब, सहारा सेबी में चला जाएगा तो उसके बाद तो सरकार को देना पड़ेगा ना भाई। निवेशक तो कह रहा है, निवेशक को सिक्योर करना सुप्रीम कोर्ट का पहली प्राथमिकता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट कैसे निवेशक को सिक्योर करेगी? या तो आपके ऊपर भरोसा करें, आप भरोसा खो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पैसा तो सेबी सहारा अकाउंट में जाएगा। एक मिनट रुको शुभम, हाँ बोलिए कन्हैया।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि आपको 24,700 करोड़, उसके बाद आया 25,781 करोड़, तो सिर्फ 35,781 करोड़ ही जमा करना था, उसमें इंटरेस्ट जमा नहीं करना था। हमारा दलील तो आज किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जिक्र किया संजीव खन्ना जी ने कि अगर 15% लेवी लगाते हैं तब समझिए कि आपका अमाउंट कहाँ चला जाएगा। तो उस पर प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं माननीय, आपने तो खुद ही हमें कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जमा करने के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम जमा कर रहे हैं, तो सही बात है ना। तो प्रिंसिपल ही अमाउंट की तो बात हो रही है, अब उसमें नई बात आप क्या कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने जो कहा था उस दिन और ये जो मार्केट में फैलाया गया और आप लोग जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के तरफ से ये बाजार में फैलाई गई बात कि सहारा की संपत्तियों के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, इसीलिए कोई भी बायर आपकी तरफ नहीं आया है। किसको इतना समय है कि आपका ये पता करे कि किस प्रॉपर्टी पर एम्बार्गो है, किस प्रॉपर्टी पर एम्बार्गो नहीं है, किसको इतना समय है ये बताइए। सर एम्बार्गो लगा हुआ है दो कंडीशन के साथ, हम बार बार बोले हैं कि सर दो कंडीशन के साथ एम्बार्गो है, एक है सर्कल रेट और दूसरा सहारा सेवी में पैसा चला जाएगा। ये तो मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, सर्कल रेट और सहारा सेवी रिफंड में फंड चला जाएगा, इसी वजह से सहारा प्रॉपर्टी नहीं सेल कर पा रही। अगर आप संजीव खन्ना साहब बोल रहे हैं कि भाई लेस देन 10% सर्कल रेट में भी आप बेच सकते हैं, तो चलिए मान लेते हैं, हम लोग बेचने के लिए तैयार है ये फंड। क्या सहारा अपनी प्रॉपर्टी बेच करके कस्टमर को पेमेंट ब्रांच से कर देगी क्या, कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, वो सारा पैसा सेबी के पास चला जाएगा। और यही हमारा ऑब्जेक्शन है कि हमें ब्रांच से पेमेंट करने के लिए पूरी तरह से एम्बार्गो पूरी तरह से हटा दिया जाए ताकि हम प्रॉपर्टी सेल कर सके और फंड सहारा के पास आ सके, ताकि हम ब्रांच से आज 90% लोग ब्रांच से पेमेंट की डिमांड फिर आप कंटेंट कर रहे हैं, कह रहे पूरी तरह से एम्बार्गो हटा ले। अरे भाई एम्बार्गो है ही नहीं, आपको एक हिदायत दिया हुआ है कि आप प्रॉपर्टी जो सेल करिएगा ना तो वो सर्किल रेट से नीचे नहीं सेल करिएगा, और अगर आप सेल करिएगा तो 10% नीचे तक आप सेल कर सकते हैं, ये हिदायत है, इसमें एम्बार्गो कहाँ है भाई।